सरदार पटेल वो जिन्होंने देश के प्रति बेहद खास योगदान दिया, वो जिन्होंने आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शायद यही वजह है कि उन्हें लौह पुरुष के नाम पर जाना जाता और पूरा देश आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। और सरदार पटेल के विचारों में देश की एकता को हर व्यक्ति महसूस कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल की जयंती के मौके पर लखनऊ में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो कांग्रेस इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेस शहादत दिवस के रूप में मनाती है और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इंदिरा जी के विचारों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे संवाददाता संदीप खेर ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत दिवस व वल्लभ भाई की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी मौजूद हैं। सर, किस तरह का आज कार्यक्रम कराया जा रहा है? सर, देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए पटेल जी की जयंती का आज यहाँ आयोजन हुआ है। दोनों लोगों का जीवन ही अपने आप में एक दर्शन है। भारत के प्रति जो इनका अभूतपूर्व योगदान है वो हर नौजवानों के लिए, भारत के लोगों के लिए एक प्रेरणा का विषय है। सरदार पटेल जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था और निश्चित उस समय भी जब भारत में सांप्रदायिक शक्तियाँ, जिन लोगों ने देश को दूसरे रास्ते पर मोड़ने का काम किया था, उनके गृह मंत्री रहते वह कभी नहीं भुलाया जा सकता। ऐसे लोगों को भी उन्होंने सबक सिखाने का काम किया था। तो हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना यह है कि वल्लभ भाई की जयंती पर हम उनको नमन करते हैं और वहीं इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर भी हम उन्हें याद करते हैं। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।